Hi friends, I'm Ankit. Welcome to Study Academy. In our today's session, we discuss about the Unique Identification Authority of India and how that agency works and what are the objectives of that agency. So all such things we discuss. So let's start. नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्टडी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के नाम से जानी जाती है, ये भारत की जो एजेंसी है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये सारे डाटा कलेक्ट करती है और उसके क्या क्या फायदे और क्या नुकसान है, वो सारी बातों को लेकर के हम आने वाले कुछ मिनटों में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये UIDAI की शुरुआत जो होती है वो किस तरह से होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो पहली बार जो UIDAI की जो शुरुआत हुई वो 28 जनवरी 2009 में पहली बार प्लानिंग कमीशन, जो कि अब हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की जगह जो ले चुके हैं वो नीति आयोग ले चुके हैं। तो नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन चलता था देश के अंदर, जो कि हर 5 साल के लिए बनाया जाता था और वो उसके हिसाब से ही सारे डिसीजंस लिए जाते थे। तो उसमें ही प्लानिंग कमीशन ने ये एक सुझाव दिया था कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी एजेंसी हो जो देश के अंदर रह रहे रहवासियों की सारी जानकारी उसके पास में होनी चाहिए, और जो कि बाकी बहुत सारी गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे थे तो उसमें काफ़ी बार ऐसा सुनने को आता था कि लोगों को एक गवर्नमेंट के पास एक ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो एक आदमी की आइडेंटिटी यानी कि एक पर्सन की एक खुद की एक आइडेंटिटी हो उसकी, तो वो सीधा जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं तो वो बीच में बिचौली आकर के लोगों का पैसा खा लेते थे। तो उसको सबको दूर करने के लिए ये एक सुझाव दिया गया था। तो फिर UIDAI की शुरुआत होती है और इसकी इसको जो उस समय UPA की गवर्नमेंट थी, यानी कि UPA की गवर्नमेंट ने नंदन नीलकने जो को फाउंडर थे इन्फोसिस के, उनको ये हेड इस प्रोजेक्ट का अपॉइंट किया था। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि UPA जो कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, उन्होंने नंदन नीलकने को, तो ये प्रोजेक्ट की फिर शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत होते ही क्योंकि ये एक ऐसी एजेंसी है जो देश में रह रहे लोगों की सारे बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक दोनों तरह के डाटा को कलेक्ट करती है और इसके बाद एक 12 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड करती है। तो पहले तो कि वो कौन कौन से बायोमेट्रिक डाटा के अंदर और डेमोग्राफिक डाटा के अंदर यूज करते हैं, वो आता है कि देखिए बायोमेट्रिक डाटा में आ जाएगा उनका कि जैसे कि फिंगरप्रिंट हुआ या आपकी आंखों की जो आईरिस होती है उसको स्कैन करके उसका डाटा कलेक्ट करके रखना। इसी तरह से डेमोग्राफिक डाटा यानी कि बायोमेट्रिक डाटा में आ जाएगा आपका आपकी उंगलियों के 10 उंगलियां जो हैं उनकी फिंगरप्रिंट्स, और इसके अलावा आपकी दोनों आंखों को स्कैन करके उसके डाटा को कलेक्ट करके वो रखते थे। इसी तरह से डेमोग्राफिक डाटा के अंदर आप पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन रहती थी, उसमें उसकी इनकम, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी एजुकेशन, उसका क्वालिफिकेशन और ये सारी चीज़ों को डेमोग्राफिक डाटा के अंदर रखा गया। अब क्योंकि ये काफ़ी इसमें लोगों को यानी कि कई लोग जो हैं या कई ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन ये उठाया कि ये जो बायोमेट्रिक डाटा जो था ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, तो इसका इस्तेमाल पर्सन की प्राइवेसी को के लिए यानी कि वायलेट हो रही थी उसमें, तो उसको देखते हुए कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया था। देखिए UIDAI यानी कि ये दोनों डाटा कलेक्ट करने के बाद एक 12 डिजिट का आधार नंबर दिया जाता है। ये देखिए ये जो नंबर है, जब उनके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है तो ये एक 12 डिजिट का ये एक यूनिक आईडी नंबर होता है। दूसरी बात कि ये जो यूनिक आईडी नंबर होता है इससे केवल एक आदमी की आइडेंटिटी है ये, लेकिन ये सिटीजनशिप नहीं है।
जरूरी नहीं है कि जिसके पास आधार है वो भारतीय ही हो। तो यूनिक आइडेंटिटी, ये एक पर्सन की आइडेंटिटी तो हो सकता है, लेकिन सिटीजनशिप, जिसके पास आधार है वो देश का नागरिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ये एक बात मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन, शायद इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप बिल्कुल इससे भ्रम में मत रहिए कि UIDAI जिसके पास में है 12 डिजिट का नंबर वो देश का नागरिक ही हो। वो केवल आधार का मतलब एक आदमी की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से है, लेकिन सिटीजनशिप के लिए बिल्कुल अलग तरीका होता है, और सिटीजनशिप हासिल करने का जो तरीका होता है वो हमारे देश के संविधान के कानून में है, तो उसको वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिटी होता यह है कि 2013 में जब ये संगठनों का विरोध चालू होता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है 2013 में, एक इंतरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, और उस इंतरिम ऑर्डर के अंदर ये कहा जाता है कि सरकार किसी भी पर्सन को यदि उसके पास आधार नहीं है तो सर्विसेज जो फायदा जो गवर्नमेंट की बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीम्स का जो फायदा है वो देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये पहला एक इंतरिम ऑर्डर 2013 में सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने सरकार को दिया। इसके बाद उसके बाद ही 2 साल के बाद में एक दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आता, उसमें ये कहा गया कि ठीक है, जो आधार है वो उसका इस्तेमाल केवल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, जिसमें कैरोसिन हुआ, LPG डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए किया जा सकता है, बट इसके अलावा और जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जो अलग अलग गवर्नमेंट्स की स्कीम चल रही हैं, तो यानी कि गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती किसी नागरिक को कि उसके पास में आधार नहीं है तो वो उस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता है। तो ये चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये UIDAI, इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी दैट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट ऑल बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा टू द रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्रीज, ओके, एंड द फर्स्ट टाइम UID वॉज स्टेबलाइज्ड ऑन 2009, एंड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट टू establish one authority that collect all biometric and demographic data of the residents of our country. And then the UPA government appointed Nandan Nilekani. He is co-founder of Infosys. And then UPA government appointed as a head of the project. It is a central government agency of India. An objective is to collect the biometric and demographic data of resident. In biometric data, includes 10 fingerprints scan and 2 iris scan. And then in demographic data, all personal information like their home, their address, their income, their education, their qualification, so all such thing including in demographic data. So and then after unique ID number, it is 12 digit unique ID number provided by Aadhaar number, it is Aadhaar. And after unique identification of authority of India has been targeting to issued UID, it is a 12 digit Aadhaar number in 2013. The Supreme Court, Apex Court of our countries, one interim orders came in 2013, and then the order other orders that no person should suffer for not getting Aadhaar. If any person doesn't have a Aadhaar or unique ID, so government cannot deny to give these some services. But after then in 2015. One new interim order come by the apex court of the country or countries, and order is that the Aadhaar will not be used for any other purpose except public distribution system like kerosene and LPG distribution system. So other than government schemes,
गवर्नमेंट कैन नॉट डेनी सच पर्सन दोज हु हैव नॉट आधार और यूनिक आईडी. फ्रेंड, इन आवर टुडेज डिस्कशन वी डिस्कस अबाउट यूनिक आईडी और आधार. What is unique identity identification authority of India. In our today's session we discuss about UIDAI. It is our central agency, those who have responsibility to collect data, biometric and demographic data, and then after issued a 12 digit unique ID number, that is called Aadhaar. It is the identity of any individual person. Okay, so I hope it will help you to give it will help you to maintain a basic understanding of Aadhaar program. So in our next session we discuss any new topic. So thanks for watching. So दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने जानने की कोशिश करी कि जो UIDAI किस तरह से देश के अंदर लोगों के बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट करके एक 12 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर देती है, जो कि एक आदमी की का यूनिक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है. तो उसके बाद आज मैं समझूंगा कि अब आप आधार के बारे में छोटा सा आपका एक माइंडसेट तैयार हुआ होगा कि क्यों आधार जरूरी था. क्योंकि आप देखेंगे कि कई बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, यदि आप देखें गांव में तो मनरेगा जो चल रहा है आजकल, उसका पूरा का पूरा पैसा जो है वो सरकार DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके आधार के साथ कनेक्ट करके उनके बैंक अकाउंट में भेज देती है. उसमें जो बीच के बिचौलिए जो हैं उनकी वो जो पहले पैसा जो मार लेते थे, अब उसको रोक रही है गवर्नमेंट. तो एक तरह से ये सरकार का पैसा बच रहा है और जिन लोगों को ये अधिकार है, जिनको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें सरकार ये सुविधाएं पहुंचा पा रही है आधार की मदद से. तो आधार, बट इसके अलावा इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि आधार का इस्तेमाल कहीं किसी गलत वजह से ना हो जाए, कि आदमी की उसमें एक कुछ प्राइवेसी की जैसे कि जो जानकारी रहती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा. तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो भी अभी इश्यूज थे उसको हमने बात करी. मैं समझूंगा कि आधार को आपने थोड़ा बहुत तो समझा ही होगा क्यों आधार ज़रूरी है लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स के माध्यम से फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और जो निचले तबके के लोग हैं उन तक सीधा फायदा पहुंच सके. इसके साथ में हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि कहीं इसका इस्तेमाल गलत मोटिव से ना हो, क्योंकि हर पर्सन का राइट टू प्राइवेसी एक अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. तो दोनों बातों को लेकर के हमने डिस्कशन किया. मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा. तो नए वीडियो में हम एक नए टॉपिक को लेकर के बात करेंगे. नमस्कार.